भारत माता को प्रतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करवाने में 20 वर्ष की छोटी सी उम्र में हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद मदन लाल ढींगरा का बलिदान दिवस आज पंजाबी धर्मशाला कुरुक्षेत्र में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री, पंजाबी सभा के अध्यक्ष अशोक अरोड़ा सहित पंजाबी सभा के पदाधिकारियों ने शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उनसे आशीर्वाद लिया। शहीद मदन लाल ढींगरा की पुण्यतिथि के अवसर पर पंजाबी सभा के पदाधिकारियों ने हवन यज्ञ कर शहीद मदन लाल ढींगरा की आत्मिक शांति की प्रार्थना की। साथ ही शहीद मदन लाल ढींगरा को पंजाबी समाज का गौरव बताया। इस मौके पर पूर्व मंत्री और पंजाबी सभा के अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कहा कि शहीद मदन लाल ढींगरा जैसे हजारों ऊंजाबाज स्वतंत्रता सेनानियों को हम नमन करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। शहीद मदन लाल ढींगरा जी का शहीदी दिवस है। इस अवसर पर शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक समिति द्वारा पंजाबी धर्मशाला में उनकी आत्मिक शांति के लिए हवन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सभा के सदस्यों ने भाग लिया। एक ऐसे शहीद को याद किया जिसने एक संपन्न परिवार में पैदा होकर देश की आज़ादी के लिए छोटी सी उम्र में किस प्रकार से इंग्लैंड में जाकर उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को मारा जो देश के खिलाफ था, देश के लोगों को जिन्होंने मारने का काम किया था, उनके मन में एक जज्बा था देश के जो हमारे शहीद थे उनका बदला लेने का, और लंदन में जाकर उन्होंने उसका कत्ल किया और मात्र 20 दिन के अंदर ही उनको फांसी दे दी गई। ऐसे शहीद जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए काम किया उनको याद करते हुए हम नमन करते हैं, और इस मौके पर उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन करते हैं कि जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, जिनकी वजह से हमें अपना संविधान मिला, और आज उसी संविधान के जरिए हम इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। मैं उन्हें सभी शहीदों को और शहीद मदन लाल ढींगरा के चरणों में नमन करता हूँ कि जिन्होंने आज हमें ये दिन दिया कि हम अपनी आज़ादी का उत्सव मना सकें, हम अपने संविधान के जरिए देश को आगे बढ़ा सकें। उनको पूरा नमन करें।